पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान तो दुनिया भर में इस्लाम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन जब बात चीन की आती है तो इमरान को सांप सूंघ जाता है। उइगर मुसलमानों पर चीन की जाति दुनिया भर में जग जाहिर है। आए दिन पीएलए के जवान उइगर मुसलमानों को मौत की नींद सुला रहे हैं। मानव अधिकारों को रोज रौंदा जा रहा है, लेकिन जिनपिंग के दोस्त इमरान को उइगर मुसलमानों पर हो रहा जुल्म नहीं दिखता, आंखों पर पट्टी बांध ली है। ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्थान ने खुलासा किया, 2017 के बाद चीन में मस्जिदों को नष्ट करने का काम तेजी से चल रहा है। 65% मस्जिदों के साथ इस्लामिक स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। उइगर स्कॉलर्स भी 2017 के बाद गायब हो गए हैं, जिनका आज तक पता नहीं लग पाया। तुर्की जो खुद को खलीफा मान बैठा है, उसने भी उइगर मुसलमानों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वहीं पाकिस्तान आने वाली 11 तारीख को अपना झूठ का पुलिंदा खोलने वाला है। विदेशी राजनयिकों के सामने वो एलओसी की स्थिति पर झूठ बांटने वाला है। आईएसआई ने 11 दिसंबर को पाकिस्तान में विदेशी राजनयिकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पाकिस्तान एलओसी से ताजा हालात की जानकारी देगा। इतना तय है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला पाकिस्तान विदेशी राजनयिकों के सामने झूठ बांटेगा। बैठक 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगी। जानकारी के मुताबिक आईएसआई इस दौरान विदेशी राजनयिकों को पाक अफगानिस्तान सीमा पर स्थिति के साथ आतंकवाद के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देगा। उम्मीद है कि ये बैठक 4 से 5 घंटे तक चले। बताया जाता है कि इस बैठक में मोबाइल और कैमरा लाने की अनुमति नहीं दी गई। और वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। सरहद पर मुर्गी खाने के बाद अब वो नई चाल को चल रहा है। इस बार उसने सोशल मीडिया को नया हथियार बना लिया। पाकिस्तान को कश्मीर में अमन और शांति रास नहीं आ रही, इसीलिए उसने कश्मीर के युवाओं को बरगलाने, खूनी साजिश और हिंसा करने को उकसाने के लिए डिजिटल आतंक फैलाने का घिनौना खेल शुरू कर दिया है। कश्मीर में एक्टिव कुछ अलगाववादी तत्वों को पैसों का लालच देकर 200 से 300 व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए हैं। पाकिस्तान की ओर से 10 से 15,000 फर्जी फेसबुक और ट्विटर अकाउंट भी चल रहे हैं। इन्हीं का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर कश्मीर के नाम का भड़काऊ कंटेंट डाला जा रहा है। देश और दुनिया के वीडियो को कश्मीर का बताकर भारतीय सेना की छवि को धूमिल करने की साजिश की जा रही है, लेकिन अब भारतीय साइबर सेल ने पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश करने की ठान ली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।